अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ ब्लैक आई बीन्स बनाना। तो उसमें क्या क्या हमें चाहिए मैं बताती हूँ। मैंने बीन्स लिए हैं, इसके अंदर मेरे पास आधा किलो बीन्स है, 500 ग्राम बीन्स हैं, और एक ग्लास मिल्क का है आपने लेना है, और दो मैंने क्यूब्स लिए हैं चिकन स्टॉक क्यूब्स जो होती हैं वो लिए हैं। मैंने ऑयल लिया है, ऑयल चाहिए हमें इसमें, गार्लिक और जिंजर का 1-1 टेबल स्पून चाहिए, और प्याज मैंने मीडियम साइज़ की 2 काट ली हैं वो हैं चाहिए हमें, और टमाटर चाहिए 2 से 3 टमाटर ले लें, 3 टमाटर लिए मैंने, 3 टमाटोज आ गए इसमें, और इसमें टर्मरिक पाउडर जो है वो मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून चला गया इसके अंदर, क्यूमिन सीड चली गई इसके अंदर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा चला गया 1 टेबल स्पून, हल्दी चली गई 1/2 टीस्पून, और गरम मसाला जो है वो होममेड है मेरा, वीडियो चेक कर लीजिएगा इसके, ये चली गया, ये चला जाएगा 1 टीस्पून, और चिली है रेड चिली पाउडर, ये जो है मैंने 1 टीस्पून लिए, आपके अपने उससे डाल के डालिएगा जितनी भी आप स्पाइसी खाना चाहते हैं। सॉल्ट मैंने लिया है 1 टीस्पून से ज़रा सा ज़्यादा है, लेकिन ये भी आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, क्योंकि उस वो उस चिकन वो भी है और ये भी है, तो नमक ज़्यादा ना हो। और जी हमने इसमें कोरिएंडर पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून, भर के लेना है ये। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, आप क्या करना है आगे के जो बीन्स हैं हमारे, इसको पतीले में डाल देते हैं, बीन्स डालने के बाद मैं इसमें गार्लिक और जिंजर का 1/1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून गार्लिक है, 1 टेबल स्पून जिंजर है, और इसमें चला जाएगा जी प्याज डाली जाएगी, प्याज 2 हैं, मैं इसमें से थोड़ी सी रखूँगी बस इसके भगार के लिए, बाकी सारी इसमें हम डाल देते हैं, थोड़ी सी हम इसके भगार के लिए रखेंगे। प्याज चली गई, टमाटोज चले गए इसमें सारे, रेड चिली चली गई 1 टीस्पून, हल्दी टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट चला गया, कोरिएंडर पाउडर 2 टेबल स्पून, और ये जो चिकन स्टॉक है हमारे पास 2 क्यूब्स हैं, इन्हें दोनों इसमें डाल दूंगा, ये चला गया, दूध चला गया, पानी डालते हैं, इस पानी इतना डालना है कि आपको इस पानी में ही इसको पूरी तरीके से गलाना है, मतलब पूरा आपने इसको इसमें पकाना है, तो इतना पानी डालें। और मैंने भिगोए हुए हैं मेरे ख्याल से 4-5 आवर्स जो हैं वो मैंने इनको भिगो दिया था, अभी इसको 4-5 घंटे इसे मैंने सोक कर लिया था, तो अब ये कि ये जल्दी गल जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा इसमें ना, तो जब तक हम इसको पकाने रखते हैं मैं बताती हूँ फिर आगे आपको क्या कर। इसको देखिए अब जैसे ही उबाला आ जाएगा बस इसको कवर कर रही हूँ, कवर करने के बाद अब आपने इसको इतना पकाना है कि ये गल जाएगा। अगर प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो प्रेशर कुकर में तो ये 5-10 मिनट में ही रेडी हो जाएंगे, और अगर आप इसमें बना रहे हैं तो मैक्सिमम आपको 25-30 मिनट लगेंगे, तो 25 मिनट लगेंगे अगर कुकर में बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो मैं अब इसको कवर करके लो टू मीडियम पे इसको चढ़ा देती हूँ, फिर देखेंगे जब पूरे इसको गलाना है, बस हमने ये चेक करना है आपने कि इसको ये पूरे तरीके से गल जाए दाना बीन्स। तो इसको रखती हूँ मैं हल्की मीडियम आँच पे ना, ये देखें जी ये हो गए 25 मिनट मैंने इनको कुक किया है, तो टाइम का कोई वैसा नहीं है, बस आपने इसको इतना गलाना है कि ये गल जाए। अब ये देखें अच्छी तरीके से ना ये दब रहा है तो गल गया है ये, तो इसका फ्लेम मैं बंद करती हूँ और इसका भगार बनाते हैं ना, पतीले को हटा के इसका भगार रेडी करते हैं। 3 सर्विंग स्पून आप इसमें ऑयल डाल लीजिएगा, जैसे घी गरम होगा इसमें प्याज हम डाल दें, फ्राई करते हैं प्याज को, ब्राउन कलर की करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो गई है, मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ, ज़ीरो को अच्छी तरीके से रोस्ट करना है, गरम मसाला जो हमारा है 1 टीस्पून है ये डाल दें, इनको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लें, हम इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ,
और इसके ऊपर भगाते हैं, बीन्स के ऊपर डाल देंगे। और जल्दी से डाल के आप इसका कवर कर दीजिएगा ताकि उसकी खुशबू सारे बीन्स में हो जाए। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी मैंने डिश आउट कर लिया है और इसके साथ में आप हरा धनिया डालें, सोया डालें और हरी मिर्चों के साथ इसको मैंने गार्निश कर लिया है। और इसको आप चावलों के बॉयल राइस के साथ खाएं या जीरे वाले राइस के साथ खाएं तो ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तो इसको इंजॉय करें और मुझे दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।